नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज पे। जैसा कि पिछले काफी लंबे समय से 23 मार्च से ही पहलवानों का धरना जारी है और फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहलवान और अनुराग ठाकुर एक बार फिर से मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। अनुराग ठाकुर के आवास पर पहलवानों की मीटिंग चल रही है, जिसमें कि दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक, उनके पति सत्यव्रत कादियान और बजरंग पुनिया शामिल हैं। बता दें कि ये तीन पहलवान फिलहाल मीटिंग में शामिल हैं। इसमें विनेश फोगाट का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि विनेश फोगाट का मानना है कि उनके मुद्दे इस बातचीत और समझौते में दब जाएंगे और वे इस मुद्दे से सहमत नहीं है, इस बातचीत से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक किसी भी तरह से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें लगातार हो रही हैं। एक तरफ पहलवानों की मीटिंग चल रही है केंद्रीय मंत्री के आवास पर, दूसरी तरफ यह बहस चल रही है कि आखिर वो क्या बात है जिसकी वजह से विनेश फोगाट इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रही हैं। इससे पहले बता दें कि कई सारे बातें हुई हैं। सबसे पहली बात यह है कि बैठक में जाने से पहले साक्षी मलिक ने फ़ोन पर विश्वस्त यानी कि एक ग्लोबल समाचार एजेंसी को बात करके फ़ोन पे बताई है कि हम सब अपनी सहमति तभी देंगे जब सारे प्रस्ताव ठीक लगेंगे और सभी का उस पर सहमति होगी। ऐसा नहीं है कि हमने सहमति दे दी और हमारे मांगों को जो है दरकिनार कर दिया गया और मुद्दे को फिर भटका दिया गया। और उन्होंने कहा है कि हम सरकार से किसी भी बात को मान लें और अपना धरना समाप्त कर दें ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक सभी मुद्दों पर सहमति उनकी नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें कि अनुराग ठाकुर के बैठक आवास पर बैठक की, तो 40 खापों के प्रतिनिधियों का सुझाव देने के बाद 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और इसमें यह निर्णय लिया गया था कि सर आगे क्या होगा, पहलवान किस तरह से निर्णय लेंगे। लेकिन इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुलाया उनको ट्विटर पर ट्वीट किया और जिसके बाद जो है पहलवान उनके आवास पर फिलहाल एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसे कि इस पर पहले अमित शाह के साथ पहलवानों की मीटिंग जो थी वो कोई निष्परिणाम उसका कोई निकला नहीं था और अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद अनुराग ठाकुर के साथ या दूसरे दौर की मुलाकात, क्योंकि इससे पहले अमित शाह के साथ मुलाकात हो चुकी थी, अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात हुई, इसमें कुछ बड़ा फैसला निकला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा और सबसे बड़ी बात यही है कि विनेश फोगाट ने अभी तक इस मुद्दे से दूरी बनाए रखी हुई है। हालांकि यह बात तो सच है कि सभी पहलवान आपस में अच्छे से बॉन्डिंग उनकी बन रही है और आपस में बातचीत उनकी जारी है। जो भी मीटिंग में फैसला लिया जाता है, विनेश फोगाट के पास वो खबर जाएगी, उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या बातें वो अपनी और कहना चाहेंगे, क्या बातें शामिल करना चाहेंगे, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन इस बात में सबसे बड़ा अपडेट जब तक आता है मीटिंग समाप्त होने के बाद, तब तक के लिए अभी तक सबसे बड़ी खबर अभी तक के लिए यही है कि पहलवान लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं और बातचीत चल रही है। जाहिर सी बात है कि बृजभूषण का मुद्दा सबसे बड़ा है, लेकिन पहलवानों का और भी क्या बातें हो सकती हैं जिस पर सरकार उन्हें मनाने की कोशिश करेगी, ये सारी बातें हैं। इसके तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ SPN 9 न्यूज़ पर। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में अन्य अपडेट्स के साथ इस मुद्दे के। धन्यवाद।